जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफिशियंसी ऑफ ए मशीन। अब इफिशियंसी का मतलब क्या है? देखो कोई भी मशीन होती है उसका काम होता है कुछ वर्क करना। जैसे आप उसको कुछ एनर्जी दोगे, एनर्जी देने से क्या करेगी, वो कुछ वर्क करेगी। तो उस मशीन से आपको कितना आउटपुट वर्क मिला और आपने उसको कितनी एनर्जी दी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस मशीन की इफिशियंसी कितनी है। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ईटा, ईटा से हम इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी, और इसको नॉर्मली परसेंटेज में लिखा जाता है, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में अपने पास वैल्यू निकल के आएगी। हो सकता है कि किसी मशीन की इफिशियंसी 90% हो, किसी मशीन की इफिशियंसी 80% हो। इसका मतलब क्या होगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा 100 से कम ही आएगी, क्योंकि जो आउटपुट वर्क है वो हमेशा इनपुट एनर्जी से थोड़ा सा कम ही होता है। इसका रीजन, क्योंकि कोई भी मशीन हो उसमें फ्रिक्शन की वजह से, साउंड की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस की वजह से जितनी एनर्जी उसको दी जाती है टोटली, यानी कि 100% वो उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो कुछ एनर्जी लॉस भी होंगे, जिसकी वजह से जो आउटपुट वर्क आपको मिलेगा वो हमेशा इनपुट एनर्जी से थोड़ा सा कम रहेगा। तो अगर आउटपुट वर्क कम है और इनपुट एनर्जी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये हमेशा 100 से थोड़ी कम आएगी। जैसे 90% आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मशीन है ये 90% इफिशियंट है, मतलब 90% एनर्जी को ये इफिशियंटली वर्क में कन्वर्ट कर पाएगी, और 10% क्या करेगी, एनर्जी का लॉस करेगी। अगर कोई भी मशीन 80% इफिशियंट है, 80% अगर उसकी इफिशियंसी है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो मशीन है वो 20% एनर्जी का लॉस करेगी और 80% इफिशियंटली एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करके आपको दे देगी। ठीक है, ये इफिशियंसी का मतलब होता है। एनर्जी के टर्म्स में लिखोगे या वर्क के टर्म्स में लिखोगे तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट एनर्जी इनटू 100। लेकिन कई बार हम इसको पावर के टर्म्स में भी लिखते हैं, तो जो इफिशियंसी है उसको अगर पावर के टर्म्स में लिखना है तो इसका फॉर्मूला होगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर इंटू 100। ठीक है, इससे भी परसेंटेज में वैल्यू निकल के आएगी। तो कई बार किसी क्वेश्चन में अगर आपको आउटपुट पावर दे रखी है कि इतनी आउटपुट पावर हमको मिली और इतनी इनपुट पावर हमने इस मशीन को दी थी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो ही फॉर्मूले हैं इफिशियंसी के। याद रखो इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखो, आउटपुट वर्क हो सकता है तो नीचे इनपुट एनर्जी आ जाएगी इनटू 100, आउटपुट पावर होगी तो अपॉन में इनपुट पावर आ जाएगी। अच्छा, पावर हो तो नीचे पावर ही लिखना है, वर्क हो तो नीचे एनर्जी ही लिखना है। ये नहीं होगा कि आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट पावर आप कर दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप की चीज ऊपर नीचे होनी चाहिए, जिनकी यूनिट सेम हो। वर्क की और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, तो आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट एनर्जी इनटू 100 करके हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 करके भी आप इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हो। रियल में जितनी भी मशीनें होती हैं, जितनी भी मशीनें हम यूज करते हैं, उनकी इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं होती है। जो आइडियल मशीन होती है उसकी इफिशियंसी सिर्फ 100% होगी। आइडियल मशीन मतलब ऐसी मशीन जिसमें किसी भी टाइप का एनर्जी का लॉस नहीं है, ऐसी कोई भी मशीन जिसमें कोई भी टाइप का एनर्जी लॉस नहीं होगा उसको क्या बोला जाएगा, आइडियल मशीन। फॉर आइडियल मशीन, अगर मशीन आइडियल है तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब जितनी भी एनर्जी इसको दी जाएगी ये टोटली उसको वर्क में कन्वर्ट करके आउटपुट में दे देगी, यानी कि आउटपुट वर्क और इनपुट एनर्जी बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में इफिशियंसी कितनी आएगी निकल के, 100% निकल के आएगी। इसका मतलब सिर्फ आइडियल मशीन के लिए ही इफिशियंसी 100% होती है, बाकी रियल लाइफ में जितने भी हम मशीनें यूज करेंगे उनकी इफिशियंसी हमेशा कम होगी 100% से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो रियल मशीन है, फॉर रियल मशीन जो भी आप यूज करते हो, आइडियल मशीन तो वो होती है जिसको हम बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बनती कभी नहीं है। कोई भी मशीन है ना, उसको आइडियल बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा, उसके लिए हम जितने भी एनर्जी लॉस होते हैं उसको हमेशा कम से कम करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से उसमें एनर्जी का लॉस कम होता जाए, लेकिन वो एकदम जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा कोई भी मशीन है ना, उसका उसको दी गई एनर्जी का कुछ पार्ट अदर फॉर्म में जरूर कन्वर्ट होगा, चाहे वो साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो, चाहे फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाए, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, है ना, अदर एक्टिविटी जरूर होती है। इसलिए इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं आती है रियल मशीन की।
ये सिर्फ आइडियल मशीन के लिए 100% होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर आइडियल मशीन बोल दे किसी क्वेश्चन में तो समझ जाना कि उसकी जो इफिशियंसी है वो 100% है, और उस केस में आउटपुट वर्क और इनपुट एनर्जी बराबर होंगे या फिर आउटपुट पावर और इनपुट पावर भी आपस में बराबर होंगे, वो स्पेशल केस हो गया। लेकिन रियल मशीन जितनी भी है ना उन सबकी इफिशियंसी लेस देन क्या होगी, 100% होगी। ठीक, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप की क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए मास ऑफ 50 किलोग्राम इज रेज्ड थ्रू ए सर्टेन हाइट बाय ए मशीन ऑफ इफिशियंसी 90% एंड द एनर्जी स्पेंट इज 5000 जूल। इफ द मास इज नाउ रिलीज्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन हिटिंग द ग्राउंड इज, ये बोल रहा है कि एक मशीन के थ्रू, मान लो कोई मशीन है और उसके थ्रू हम किसी मास को लिफ्ट कर रहे हैं, ये कोई मास है m, m की वैल्यू हमको गिवन है क्या 50 किलोग्राम दे रखा है, m कितना है 50 किलोग्राम के बराबर। अब इसको किसी हाइट तक हम लेके जा रहे हैं, मान लो इसको h हाइट तक हम लेके जा रहे हैं, कोई मशीन है उसके थ्रू हम इस मास को h हाइट तक लेके जाएंगे, और इसके लिए हमने जो एनर्जी खर्च करी है, जो एनर्जी इसको दी जा रही है मशीन को, यानी कि इनपुट एनर्जी इसको बोल देते हैं, इनपुट एनर्जी वो है 5000 जूल के बराबर, मतलब 5000 जूल हमने एनर्जी इस मशीन को दी है ये काम करने के लिए, किसी हाइट तक पहुंचाने के लिए। फिर ये जो मास है ये यहां पे पहुंच गया, इसके बाद में हम यहां से इसको रिलीज करेंगे, जैसे जैसे मास ऊपर जा रहा होगा इसके पास एक टाइप की एनर्जी आती जाएगी जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहां पे पहुंचने के बाद में इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, जीरो, क्योंकि यहां पे जाके रोक दिया इसको तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ इसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप इसको यहां से रिलीज करोगे छोड़ोगे तो ये नीचे गिर रहा होगा फिर, और नीचे गिरेगा तो जब ये जमीन पे टकराएगा तो इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो आपको पूछा जा रहा है कि बताओ वो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये जमीन पे टकरा रहा होगा वो कितनी होगी, ये कैलकुलेट करके बताना है। तो वो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जमीन पे टकराते टाइम इसके पास रहेगी, इस एम मास के पास, वो उतनी होगी जितनी इसके पास शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी थी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक चीज बताओ यहां पे कि ये जो मशीन है इसकी इफिशियंसी हमको दे रखी है 90%, तो जितना भी इसको एनर्जी दी गई है क्या 100% ये उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगी, आउटपुट वर्क में कन्वर्ट कर पाएगी, नहीं, ये 10% लॉस करेगी एनर्जी का, सिर्फ 90% एनर्जी ही इफिशियंटली वर्क में कन्वर्ट कर पाएगी। जो भी इस मास के ऊपर इस मशीन के थ्रू वर्क किया जा रहा है वो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, यहां पे इसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, शुरुआत में जो इसको भाई शुरुआत से इस पे जो वर्क किया जा रहा है वही यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और जो वर्क किया जा रहा है इसके ऊपर वो इसको एनर्जी दी जा रही है उसके थ्रू हो रहा है। तो इसको जो एनर्जी हमने दी है इनपुट में वो 5000 जूल है, ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ 90% ही वर्क में कन्वर्ट होके आपको यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मिल पाएगा जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, 10% एनर्जी लॉस माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। तो जो एनर्जी दी जा रही है 5000 जूल उसका 90% एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो पाएगी, 10% कहां चला गया लॉस में चला गया। तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है बताओ, वो 90% होगी, 90/100 इंटू इनपुट एनर्जी का, 90/100 इंटू 5000 करना है, ये आएगा 4500 जूल। और अभी जो इसको पोटेंशियल एनर्जी मिल पाई है इस मशीन के थ्रू, वो जब इसको गिराओगे तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाके जमीन पे टकराएगा तो वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी है, यानी कि इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि आपका आंसर क्या होगा 4500 जूल के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ये जो मशीन है ये इसको 4500 जूल एनर्जी दे पाएगी जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। 10% माइनस क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि 10% लॉस हो गया, फिर जो एनर्जी बची वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो गई और वही फाइनली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्ट को मिलनी है। तो आपका आंसर होगा 4500 जूल, आया समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक पंप फिल एन ओवरहेड टैंक ऑफ कैपेसिटी 9 m³ एट ए हाइट ऑफ 10 m। इफ द पंप टेक्स 5 मिनट्स टू फिल द टैंक बाय कंज्यूमिंग 10 kW पावर, देन फाइंड द इफिशियंसी ऑफ द पंप। जो पंप है उसकी इफिशियंसी आपको फाइंड करके बतानी है। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक इलेक्ट्रिक पंप की ये बात कर रहा है, मान लो कि ये क्या है कोई पंप है
और इसको पानी लिफ्ट करना है, और कितनी ऊंचाई तक पहुंचाना है इसको? एक ओवरहेड टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 9 मीटर क्यूब, उसको फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए, ये मान लो ओवरहेड टैंक हो गया, और इसको फिल करना है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि इसका वॉल्यूम दे रखा है 9 मीटर क्यूब के बराबर। ये जो पंप है ये इसको फिल करने में 5 मिनट का टाइम लगाता है, 5 मिनट में इसको ये फिल कर देगा, ठीक है। और ये जो टैंक है ये कितनी ऊंचाई पे है, मतलब कितनी ऊंचाई तक पानी को लिफ्ट करना है यहाँ पे, तो 10 मीटर ऊंचाई तक हमको पानी को लिफ्ट करके इसको भरना है, ठीक है। ये जो पानी की टंकी है इसको भरना है हमको, ठीक है, ये अपना टारगेट है भाई। तो अब ये बोल रहा है कि बताओ कि ये जो पंप है इसकी इफिशियंसी कितनी है, ठीक है। ये जो इनपुट पावर ले रहा है वो आपको दे रखी है 10 किलोवाट के बराबर। जो इनपुट पावर है वो कितनी है, 10 किलोवाट के बराबर। जो भी इस पंप को इनपुट पावर दी जा रही है उससे ये कुछ वर्क कर रहा है, और कितना वर्क पर सेकेंड ये कर पा रहा है उसी को हम आउटपुट पावर बोलेंगे, ठीक है। इनपुट पावर हमको दे रखी है, और आउटपुट पावर कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या करो, आउटपुट वर्क अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। क्योंकि जो भी पंप काम करेगा उससे पानी लिफ्ट हो रहा होगा यहाँ पे, तो इसका जो काम है वो है पानी को लिफ्ट करना। पानी को लिफ्ट करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो भी वर्क किया जा रहा है वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो वर्क किया जा रहा है वो MgH के बराबर होना चाहिए। MgH का मतलब है जो पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, उसकी फॉर्म में ये वर्क स्टोर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मास नहीं दे रखा हमको, हमको दे रखा है इस टैंक की कैपेसिटी। अब इसमें क्या फिल किया जा रहा है, वाटर, और वाटर की डेंसिटी आपको पता होगी, इसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको इस पानी का वॉल्यूम दे रखा है, इसकी डेंसिटी आपको पता है, पानी की डेंसिटी आप याद भी रखो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप इजीली इस पानी का मास कैलकुलेट कर सकते हो, मास इक्वल टू क्या बोल देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें मास को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। तो उससे अपने पास मास आ जाएगा इंटू जी H डिवाइडेड बाई टी। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है, इससे आप इजीली पता कर सकते हो कि आउटपुट पावर आपको कितनी मिल रही है। रो की वैल्यू 10 की पावर 3, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। V यानी वॉल्यूम, जो कि 9 मीटर क्यूब के बराबर है। G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, H की वैल्यू है 10 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट्स। मिनट्स को सेकेंड में चेंज करो तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकेंड में आ जाएगा टाइम, ऐसे यूनिट्स यूज करनी है। तो बताओ आउटपुट पावर कितनी होगी यहाँ पे, तो ये आएगा सॉल्व करने पे 3 × 10 की पावर 3, यानी 3000 वाट के बराबर। ये आपका आउटपुट पावर होगी, है ना। आउटपुट पावर पता चल गई, इनपुट पावर दे ही रखी है क्वेश्चन में, तो इफिशियंसी हम इजीली पता कर सकते हैं। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100 करना है बस। अब तो आउटपुट पावर कितनी, 3 × 10 की पावर 3, इनपुट पावर कितनी, 10 किलोवाट, यानी कि 10 × 10 की पावर 3 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 30% के बराबर। यानी कि ये जो पंप है इसकी इफिशियंसी कितनी है, सिर्फ 30% है। ये 30% एनर्जी को ही इफिशियंटली वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, बाकी 70% लॉस कर रहा है ये पंप, ठीक है। आया समझ में, तो ये आपका आंसर। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ।